शाहजहांपुर में प्राइवेट अस्पताल की दबंग गई। पैसा न देने पर मरीज को बनाया बंधक, तो वो छोड़ी नहीं रहते हमको, बोले नहीं पूरे रुपए जमा करवाते कभी। आशा बहुओं की कमीशन खोरी में फंसा मरीज, आधा ने भर्ती कराया आगे यहाँ से, आधा से हम भागते थे जिला अस्पताल लेके भागते। जबरन प्राइवेट अस्पताल में कराया था भर्ती और यहाँ जाके हमको छोड़ दिया, हम बोलते हैं सरकारी जिला अस्पताल ले चलो। शाहजहांपुर में इस वक्त मेडिकल कमीशन खोरी का खेल चल रहा है और इस खेल में निजी अस्पताल से लेकर एम्बुलेंस ड्राइवर और आशा बहुएं भी शामिल हैं। इसी खेल में फंसे एक परिवार को निजी अस्पताल में ही बंधक बना लिया गया। काफी मशक्कत और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद जैसे तैसे मरीज और तीमारदार पैसे देकर अस्पताल से जान छुड़ा पाए। सरकारी एम्बुलेंस में बोला चलो जान चलना है, तो सरकारी एम्बुलेंस में हमको बैठाया, उसमें सौ रुपये का कर्ज लगाया, ड्राइवर था उसका विनोद नाम का, और यहाँ जाके हमको छोड़ दिया, हम बोलते हैं सरकारी जिला अस्पताल ले चलो, नवज्योति अस्पताल। अच्छा जी, समस्या ये आई, इन्होंने 15,000 हमसे मांगे रुपये, हमारे पास 10,000 रुपये थे, हम तो बर्तन वर्तन बेच कर लाए, तो वो छोड़ ही नहीं रहे थे हमको, बोले नहीं पूरे रुपये जमा करवाते कभी। यहाँ आके आपको किसने छुड़ाया, क्या हुआ? आधा ने भर्ती कराया आगे यहाँ से, आधा से हम भागते थे जिला अस्पताल ले चलो। दरअसल ये मामला शाहजहांपुर जिले के थाना सदर बाजार क्षेत्र में मौजूद नवज्योति अस्पताल का है, जिसमें इस परिवार को पूरा पेमेंट न करने की वजह से बंधक बना लिया गया। पीड़ित की माने तो जब उसकी पत्नी रूपा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो उसने आशा बहू को मामले की जानकारी, आशा बहू ने तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाई और मरीज को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुई, लेकिन हद तो तब हो गई जब बार बार कहने के बावजूद आशा बहू ने एम्बुलेंस नवज्योति प्राइवेट अस्पताल में ही रुकवा दी और जबरन मरीज को वहीं भर्ती करा दिया। इलाज शुरू हुआ और रूपा ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इस गरीब आदमी को पूरे 15,000 का बिल थमा दिया। पीड़ित ने अपने हालात का हवाला देते हुए रुपए चुकाने में असमर्थता जताई तो अस्पताल प्रशासन ने मरीज और तीमारदार सभी को बंधक बना लिया, जिसके बाद कुछ पत्रकार और स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित ने पूरे 10,000 रुपए जमा किए और अपनी जान छुड़ाकर भागा। जो रूपा देवी है उनके पति ने आज फोन किया लगभग 2:45 के आसपास और ये कहा हमारी पत्नी की डिलीवरी होनी थी, हम जिला अस्पताल लेके गए थे, लेकिन रास्ते में नवज्योति अस्पताल में आशा ने हमें भर्ती करा दिया, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, जैसे तैसे हमने व्यवस्था करके 10,000 रुपये जमा कर दिए बर्तन बेच के, अब हमारे पास नहीं है, नहीं छोड़ रहे हैं, तब हमने बात भी करना चाहा लेकिन डॉक्टर साहब मोबाइल बंद था, आशा ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तब मैं सीधे मोटरसाइकिल से आया और यहाँ जब पता किया डॉक्टर साहब बात की तो डॉक्टर साहब ने उन्हें 10,000 रुपये में छुट्टी करवा दी और जैसे तैसे फिर अस्पताल से इन्हें बाहर नहीं निकाला। फिलहाल मरीज जैसे तैसे पैसे चुकाकर अपने परिवार के साथ घर पहुंच चुकी है। इस वारदात से एक बात तो साफ हो गई कि निजी अस्पताल को चलाने में आशा बहुओं का बहुत बड़ा खेल है। यही गांव देहात के लोगों को जबरन सरकारी अस्पताल की बजाय निजी अस्पताल में भर्ती कराती हैं और उससे उन्हें मोटा कमीशन मिलता है। इसे रोकने की जरूरत है क्योंकि ये हमारे समाज और सिस्टम को पूरी तरह खोखला कर रहे हैं। शाहजहांपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए आरएन पाल सिंह की रिपोर्ट।